गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड आवर नेक्स्ट पेज। गॉड कंट्रोल आवर डेस्टिनीज, भगवान हमारे भाग्य है वो नियंत्रित करता है। इट मे बी फॉल एज इट वंस बिफॉल ए सर्टेन डरविश, आपके साथ भी ऐसे ही घटित होगा जैसे कि एक बार एक फकीर के साथ घटित हुआ था। व्हेन हर हस्बैंड आस्क्ड हर व्हाट हैड हैपेंड टू दैट डरविश, जब उसके पति ने पूछा कि दरवेश के साथ क्या घटना घटी थी, सी टोल्ड हिम दैट द फॉलोइंग टेल, उसने उसे वो कहानी बताई। देर वाज वंस ए दरवेश इन द सर्विस ऑफ ए किंग, एक बार एक राजा की सेवा में एक फकीर होता है। अ किंग यूज टू गिव हिम ए पीस ऑफ केक एंड ए बाउल ऑफ हनी डेली, राजा उसे प्रतिदिन एक केक और एक प्याला हनी का देता है। द दरवेश यूज टू ईट द केक एंड पुट द हनी इन टू ए जार, डेली खाता है और जो शहद होता है वह एक जार में डालता है। विच ही ऑलवेज कैरीड अपॉन हिज हेड, जो वह हमेशा अपने सर के ऊपर रखता है। हनी हाउएवर इन दोज डेज वॉज वेरी एक्सपेंसिव, उन दिनों में शहद बहुत महंगा होता था। वन डे द दरवेश नोटिसिंग दैट हिज जार वॉज नियरली फुल, एक दिन दरवेश ने नोटिस किया कि उसका जार भरने जा रहा है। थॉट ऑफ द हाई प्राइस हिज हनी वुड फैच इन द मार्केट, शहद का महंगा भाव सोचकर उसने उसे बाजार ले जाने के बारे में विचार किया। आई एम गोइंग टू सेल माई हनी फॉर ए पीस ऑफ गोल्ड एंड बाई 10 सिप, मैं अपना शहद बेचकर कुछ सोने के सिक्के प्राप्त करूंगा और उससे मैं कुछ भेड़ें खरीदूंगा। ऑल ऑफ विच इज गोइंग टू गिव बर्थ टू लैम्स, सभी भेड़ें अपने बच्चे पैदा करेंगी। सो दैट इन द कोर्स ऑफ 1 ईयर, एक साल के बाद आई एम गोइंग टू हैव 20 सिप, मेरे पास 20 भेड़ें हो जाएंगी। देन फॉर श्योर देयर नंबर विल स्टीडली इंक्रीज, 20 भेड़ें होने के बाद उनकी संख्या और अधिक बढ़ेगी। एंड इन 4 ईयर्स, 4 साल में आई सेल बी द ओनर ऑफ 400 सिप्स, मैं 400 भेड़ों का मालिक बन जाऊंगा। आई सेल देन बाई ए काउ एंड एन ओक्स एंड एक्वायर ए पीस ऑफ लैंड, उसके बाद मैं एक गाय और एक बैल खरीदूंगा और एक भूमि का टुकड़ा भी प्राप्त खरीद लूंगा। माई काउ विल गिव बर्थ टू काल्स, द ओक्स विल बी यूजफुल टू मी इन द प्लगिंग ऑफ लैंड, मेरे लिए बछड़े पैदा करेगी और जो बैल होंगे वो मेरे लिए भूमि पर हल जोतने में काम आएंगे। वाइल द काउ विल प्रोवाइड मी विद मिल्क, गाय मेरे लिए दूध पैदा करेंगे। इन 5 ईयर्स टाइम द नंबर ऑफ माई कैटल विल हैव इंक्रीज कंसिडरेबली, 5 सालों में मेरे पास बहुत अधिक पशु ऑफ ग्रेट वेल्थ एंड आई सेल देन बिल्ड ए मैग्निफिसेंट हाउस, और इससे मुझे एक बड़ी संपत्ति का मैं मालिक बन जाऊंगा और मैं उसके बाद एक बड़ा घर बनाऊंगा। एक्वायर स्लेव्स एंड मेड सर्वेंट, मैरी ए ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ नोबल डिसेंट, मैं नौकर चाकर और नौकरानियाँ रखूँगा और एक सुंदर स्त्री अच्छे वंश की उससे मैं शादी करूँगा। सी विल बियर मी ए सन ए रोबस्ट एंड ब्यूटीफुल चाइल्ड, उससे मुझे एक सुंदर पुत्र प्राप्त होगा जो हष्ट पुष्ट और सुंदर होगा। ए लकी स्टार विल साइन एट द मोमेंट ऑफ हिज बर्थ, एक सुंदर सितारा उसके जन्म के समय आसमान में चमकेगा। एंड ही विल बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड, वह बहुत ही हमें खुशी प्रदान करेगा। एंड ब्रिंग होनर टू माई नेम आफ्टर माई डेथ, और मेरे नाम को मेरी मृत्यु के बाद भी सम्मानित रखेगा। शुड ही हाउएवर रिफ्यूज टू ओबे मी, जब कभी वह मेरी आज्ञा मानने से इनकार करेगा, आई विल बीट हिम विद दिस स्टिक, मैं उसे इस लकड़ी से पीटूंगा। थस एंड द दरवेश वाज सो कोट इन हिज डे ड्रीम दैट ही रेज्ड हिज स्टिक विच हिट द जार एंड ब्रोक इट, तभी जब अपने सपने में था उसने वह लकड़ी उठाई और उसने उस जार के ऊपर लकड़ी मारी, जार टूट गया। हनी अलोंग विद हिज डे ड्रीम वाज लॉस्ट, उसके सपन के साथ ही जैसे उसका सपन टूटा उसका सारा हनी वहाँ बिखर गया। आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी, कंटिन्यू द वाइफ ऑफ द पियस मैन, उस धार्मिक पुरुष की पत्नी ने उसे कहा, मैं तुम्हें कहानी इसलिए बता रही हूँ जस्ट टू गिव ए लेसन दैट इट नॉट वाइज टू स्पीक ऑफ थिंग दैट आर अनसर्टेन, हमें उन चीज़ों के बारे में नहीं बोलना चाहिए, नहीं कहना चाहिए जो कि अनिश्चित है। रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ किंग सोलोमन, किंग सोलोमन ने ये शब्द कहे, हु सैड डू नॉट बोस्ट योर सेल्फ, अपने आप के ऊपर डिंगे मत मारो, फॉर यू डू नॉट नो दैट विल हैपन टू यू नेक्स्ट, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ आगे क्या होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, टूडे यू रीड दिस लेसन एंड अंडरस्टैंड